हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो दिस इज दी पार्ट टू ऑफ द एमसीक्यू सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड फॉर द टी वाई बी कॉम सिक्स स्टूडेंट्स एंड द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग तो लास्ट लेक्चर में हमने अमालगमेशन के कुछ एम को सॉल्व किया था उसी बेसिस पे आगे बढ़ाते हुए अमालगमेशन के और कुछ इंपॉर्टेंट एम इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं और अच्छी तरीके से उसके बेसिक्स को भी समझने वाले हैं अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जब वीडियोस आएंगे तब आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा तो आज हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एम को डिस्कस करने वाले है उसका सारा पी आपको ऐप आप में मिल जाएगा तो ऐप को अभी डाउनलोड कर ले ऐप में काफी सारे कोर्सेस अगर आप लास्ट प्रीपेरेशन कर रहे हो अभी तक कुछ प्रीपेरेशन आपने प्रॉपरली नहीं किया है तो आपको ऐप आप में सारी चीजें मिल जाएगी ऐप को डाउनलोड कर ले लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ऑफ द द फॉलोइंग इज एंट्री फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक तो अमालमेशन में अनरियलाइज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक के बेसिस पे तो उसकी जर्रल एंट्री क्या होती है तो आज मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिए जिससे आपके बहुत से कंसेप्ट को एक बार रिवाइज हो जाएंगे सो अनरियलाइज प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम न्यू बुक्स में जो एंट्री करते हैं वो क्या है गुडविल टू स्टॉक स्टॉक टू गुडविल स्टॉक टू अनरियलाइज प्रॉफिट या अनरियलाइज प्रॉफिट टू स्टॉक तो ध्यान रखना जो भी हमारा स्टॉक होता है उस स्टॉक पे हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जैसे कि अगर हमारा एक्चुअल वैल्यू हंड्रेड है प्रॉफिट उन्होंने बोला ट्वेंटी परसेंट तो आपकी इनवॉइस वैल्यू या टोटल वैल्यू बन जाएगी वन ट्वेंटी फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है वन ट्वेंटी के लिए जो भी आपको स्टॉक की वैल्यू दी रहेगी तो ट्वेंटी के लिए हाउ मच प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें प्रैक्टिकल बेस एमसी की उसको थोड़ा सॉल्व करवाऊंगा तो इसका एंट्री क्या होता है न्यू बुक्स में तो इसका एंट्री काफी सिंपल है एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट इज इफ परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाई इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इच एट रूपीज ट्वेल्व तो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं परचेज कंसिडरेशन में दस रुपये का शेयर बारह रुपए में इशू हुआ है, इसका मतलब आपको सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपका दो रुपए का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम देन जनरल एंट्री विल बी बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्विटी शेयर कैपिटल टू लिक्विडिटर ऑफ ओल्ड कंपनी या बिजनेस परचेस टू टू इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे पूछा है परचेस सेटल्ड के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ देखो दो कंसेप्ट है नंबर वन इज परचेस परचेसिडरेशन ड्यू ठीक है ये हम न्यू बुक्स की बात कर रहे हैं न्यू कंपनी जो न्यू कंपनी होगी वो कैसे एंट्री करेगी तो पहला होता है परचेस कंसिडरेशन ड्यू इसका सिंपल एंट्री होता है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट क्या होता है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी ये आपका परचेस कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री है और दूसरा एंट्री आपका होता है परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड का सबसे सिंपल जो आपका लिक्विडेटर है उसको डेबिट करना है तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट और हमने उनको क्या क्या दिया है से फॉर एग्जाम्पल हमने उनको इक्विटी शेयर दिया है तो आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने उनको प्रेफरेंस शेयर दिया है तो आएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल काफी सिंपल है हमने उनको कैश दिया है तो आएगा टू बैंक कैश बैंक लिख सकते हैं और अगर प्रीमियम भी है तो आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो ये आपकी सेटलमेंट की एंट्री होगी और हमें हमारे क्वेश्चन में सेटलमेंट की ही एंट्री पूछी है तो एंट्री सिंपल है लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसी वाली एंट्री ढूंढते हैं तो देखो ही पॉइंट है सेकंडविडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपका राइट right आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू काफी सिंपल है बट हमेशा सिंपल पॉइंट में ही हमारे सिली मिस्टेक्स होते हैं नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर थर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू परचेस कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड तो ध्यान से समझना है कौन से केस में परचेज कंसिडरेशन दो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है एक्विजिशन लिक्विडेशन मर्जर या एब्सॉर्बशन तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लेता है तो इस केस में बी लिमिटेड आपकी ओल्ड कंपनी बनेगी और न्यू कंपनी कौन सी होगी ए लिमिटेड तो ए लिमिटेड आपकी न्यू कंपनी और बी लिमिटेड आपकी ओल्ड कंपनी और मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी परचेस कंसिडरेशन हमेशा ओल्ड कंपनी का ही कैलकुलेट होता है इसीलिए ये जो कंसेप्ट है इसमें सिर्फ एक ही परचेज कंसिडरेशन होता है जिसको हम एब्सॉर्शन एक्विजिशन या परचेस के नाम से भी जानते हैं पर पे पे पूछा गया है कि परचेस दो कैलकुलेट होता है तो दो कैसे कैलकुलेट होगा देखो ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है ये दोनों मिलके फॉर्म हुआ तीसरा कंपनी कॉल्ड है सी लिमिटेड तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बोथ आर ओल्ड कंपनी ये भी ओल्ड कंपनी ये भी ओल्ड कंपनी तो यहाँ पे भी परचेस कंसिडरेशन आएगा यहां पे भी परचेज कंसिडरेशन आएगा इसका मतलब दो परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करने हैं इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है इस कंसेप्ट को बोला जाता है मर्जर दैट इज कॉल्ड एज मर्जर तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड वेन अमालगमेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ओल्ड कंपनी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है वरना आपका सिली मिस्टेक हो सकता है ंग दमालगम एक्सपेंसिस अमाली पेड बाय न्यू कंपनी ऑल्सो एंड इट कैन बी पेड बाई अगर न्यू कंपनी पेमेंट करेगा तो आपका एंट्री होता है सबसे सिंपल गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक ध्यान रखना अगर न्यू कंपनी पेमेंट करेगा अमालगमेशन के एक्सपेंसेज को तो एंट्री तो बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक लेकिन अगर ओल्ड कंपनी के एक्सपेंसेस को पे करेगा तो आपका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो यहां पे पूछा है इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड तो रियलाइजेशन अकाउंट इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर पी सी पीसी परचेज कंसिडरेशन ड्यू इन बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी मैंने अभी आपको बताया था न्यू कंपनी के बारे में कंसिडरेशन ड्यू एंड परचेस कंसिडरेशन रिसीव का कंसेप्ट अब यहां पे पूछा है कि ओल्ड कंपनी के बुक्स में अगर हम परचेस कंसिडरेशन की एंट्री करते हैं तो इनमें से क्या होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी या बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी ध्यान से बिजनेस परचेज और लिक्विडेटर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे न्यू कंपनी में आते हैं ठीक है थीके? तो काफी सिंपल है इसका एंट्री क्या होता है इसका एंट्री बनता है ड्यू का न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो वेन वी आर पासिंग एंट्री फॉर परचेस कंसिडरेशन रिलेटेड विद ओल्ड कंपनी तो आपकी जनरल एंट्री आपको याद रखनी है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट असेट्स मेथड तो परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से क्या नहीं लिया जाता ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड तो नॉट कंसिडर्ड बोल रहा है ध्यान से लैंड एंड बिल्डिंग लिया जाता है इन्वेस्टमेंट्स भी लिया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लिया जाता आप ध्यान रखना अगर हम असेट्स की बात करें अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स में हम सारे असेट्स को लेते हैं लेकिन जो हमारे फिकटिशियस असेट्स है फिक्टिशियस जिसको हम मिसेलेनियस भी बोलते हैं तो फिक्टिशियस असेट्स को हम नहीं लेते और अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम नहीं लेते बाकी सारे असेट्स को लेते हैं तो इस क्वेश्चन में नहीं लेते ये पूछा गया था तो इसका राइट right आंसर होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी रिजर्व तो काफी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी रिजर्व जो क्रिएट होता है कैरी फॉरवर्ड होता है तो इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या कैपिटल रिजर्व ध्यान रखना फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 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 एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों के तीनों हमारे स्टैचुटरी रिजर्व है तो दीज आर द दैटूटरी रिजर्व जिसके लिए एक एंट्री पास होती है अमाल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट फिलहाल एंट्री तो नहीं पूछी है लेकिन मैंने आपको बता दी तो राइट आंसर क्या बताए बनेगा इसमें कैपिटल रिजर्व जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है तो कैपिटल रिजर्व इसका राइट right आंसर बनेगा नेक्स्ट इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय न्यू अगर अभी फिर से वही पॉइंट आया बीच में ओल्ड कंपनी पूछा था अभी न्यू कंपनी पूछा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड तो मैंने आपको इसका एंट्री अभी बताया था एंट्री बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या बनता है एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फिलहाल गुडविल अकाउंट है क्या ऑप्शन में यस वी हैव गुडविल इन विल बी गुडविल अकाउंट तो गुडविल अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन में जाते हैं तो ये लेजर की बात कर रहा है जो हम ओल्ड कंपनी में लेजर्स बनाते हैं उसमें अगर हम इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी का जो लेजर बनाते हैं उस लेजर का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट या इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो जो भी आपका बैलेंस होता है इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी में वो आपको ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो राइट right आंसर इस क्वेश्चन का है इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्डर्स का जो भी बैलेंस होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट प्रेफरेंसर होल्डर्स में ठीक है लेकिन इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी का जो भी बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द न्यू असेट्स टेकन ओवर इज रूपीज वन लैक एंड टेन परसेंट ऑफ द नेट वैल्यूएशन इज पेड एज गुडविल देन वैल्यू ऑफ गुडविल विल भी ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है तो आपका नेट असेट्स जो है नेट असेट्स है, तो है वो वन लैक है तो यहां पर मैं लिखता हूं नेट असेटर ठीक है नेट असेट्स टेकन ओवर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है दट इज वन लाख उन्होंने कहा है कि टेन परसेंट ऑफ द नेट वैल्यूएशन इज एज गुडविल इसमें हम टेन परसेंट जो है वो नेट वैल्यूएशन को प्लस करेंगे तो नेट वैल्यूएशन नेट वैल्यूएशन हमारा टेन परसेंट वाला है वो गुडविल है अगर हम वन लाख का टेन परसेंट लेंगे तो टेन थाउजेंड हो जाएगा तो दिसन परसेंट टेन परसेंट ऑफ वॉट दिस, तो दिस वैल्यू तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी टोटल वैल्यू बनेगी एक लाख दस हजार ये आपका जो एक लाख दस हजार आया ये है परचेज कौन से मेथड से नेट असेट्स में यहां तो सिंपल पूछा है लेकिन याद रखना सिंपल चीजों में ही हमेशा होता है गुडविल the तो कितना तो है 1 ,00 का 10 हमने कर लिया दैट विल तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल कितना टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड क्वेश्चन का राइट right आंसर बन जाएगा तो इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जो ऐप का लिंक दिया है नोटिफिकेशन में वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे आपको इसके सारे पीडीएफ सारे वीडियोस लेक्चर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कुछ पेड लेक्चर्स भी है आपको अगर डिसाइड करना है कि आपका अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर